सर हम बात कर रहे हैं, अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया, अब इसको केंद्र ने कहा है अनलॉक, अनलॉक फेज वन। अब अनलॉक फेज वन में आपके सामने दो चुनौतियां हैं सर। पहला तो ये कि जो मामले बढ़ रहे हैं उनको नहीं बढ़ने देना है या कम रफ्तार में बढ़ने देना है, लोगों की जिंदगी बचानी है, और जो लोग जिनकी जिंदगी संकट में आई लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोजगार धंधा चौपट हो गया, उनके लिए आपको अपने शहर गांव खोलने भी हैं, तो ये सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? देखिए दोनों चीजें हैं, एक जहां तक कोरोना का सवाल है, यह बात सही है कि 8000 के आसपास जो संख्या बता रहे हैं पॉजिटिव केस थे, लेकिन रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का 60% है और उसमें से एक्टिव केस केवल 2800 है। रोज पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, विशेषकर माइग्रेंट मजदूर भी जो बाहर से आए हैं, हमारे भाई और बहन, उनके कारण कई जिले हमारे संक्रमित हुए हैं, लेकिन वो हमारे भाई बहन हैं, उनको लाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की काम धंधे की व्यवस्था करना, ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। हम दोनों चीज करेंगे, एक हमने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना भी बनाई है, हमने अपने अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के रूप में लगभग 83,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है, अभी हमारे पास केवल 2800 मैंने बताया पॉजिटिव केस है, लेकिन भगवान ना करे, हम तो रोकेंगे उसको, लेकिन कई लोग जो कहते हैं कि जून के अंत में पीक आएगी, तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है अगर वैसी कोई परिस्थिति बनती है तो। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि हमारी, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 60 टेस्ट होते थे, अब 6000 टेस्ट रोज होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद करने का प्रबंध किया है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है, जान भी बचाना, लेकिन जहान भी है, दुनिया रुक नहीं सकती, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी, रोजी रोटी रोजगार देना पड़ेगा, और पहली चुनौती रोजगार देने की अपने प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को। मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई श्रम सिद्धि, जिसके अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर भाई बहन थे जिनके पास जॉब कार्ड नहीं थे, 5 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड उनके बनाए, और अभी हम सबको रोजगार दे रहे हैं। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, पहले 3 महीने का राशन, फिर 2 महीने का और फिर आगामी महीनों का राशन, जो प्रवासी मजदूर भी आए उनको भी हम निःशुल्क देंगे। स्किल मैपिंग का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, कई ऐसे मजदूर है जो कुशल हैं, उनके हाथों में हुनर है, वो काम जानते हैं, स्किल मैपिंग का काम हमारा तेजी से चल रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पोर्टल बनाया, रोजगार सेतु, एक तरफ वो मजदूर जिनको काम आता है उनकी लिस्टिंग, और दूसरी तरफ वो कारखाने या अधोसंरचना का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कुशल हाथों की जरूरत है, उनको हम इस पोर्टल से जोड़ के, जिनको जरूरत है रोजगार की और जिनको जरूरत है मजदूर की, उन दोनों को जोड़ देंगे। इसका नाम हमने दिया रोजगार सेतु, तो हमारे कुशल मजदूरों को भी काम मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमने प्रवासी मजदूर आयोग बनाने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में भी उनको काम देने की हम योजना बना सकें। आर्थिक गतिविधियां हमने चालू की हैं, अब पूरा मध्य प्रदेश इंदौर उज्जैन भोपाल को छोड़ के इन 3 जिलों में 1/4 1/3 दुकानें खोल रहे हैं, बाकी हमने दुकानें खोली है, यातायात हमने खोला है इन 3 संभागों को छोड़ के, और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू की है। हम संतुलन बनाएंगे, एक तरफ कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं, जिसमें एक और व्यवस्था हमने फीवर क्लिनिक शुरू किए कई जगह, अस्पताल में हर एक को जाने की जरूरत नहीं है, अगर छोटी मोटी समस्या है तो फीवर क्लिनिक में जाए, वहां चेकअप होगा, जरूरत अगर होगी तो फीवर क्लिनिक आपको अस्पताल भेजेगा, नहीं तो वहीं से आपको दवाई देके विदा कर देगा। तो कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, फेस कवर मतलब मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना उसका पालन करना, हाथ धोते रहना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, ये जनता के सहयोग से एजुकेट करने का भी हमारा प्रयास है जी। जो दुकानें खुली है वहां भी कई तरह के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं, जैसे एक समय 5 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे ग्राहक,
तो दोनों के बीच हम संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्रीज भी, कल कारखाने भी हम चालू कर रहे हैं, विकास के काम बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार के देने के लिए गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी हमको। तो दोनों में संतुलन बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है सर।